हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल रीता जसपाल में। और अभी सुबह का समय हो गया है दोस्तों, तो हम लोग नहा धो चुके हैं और देखिए बाहर बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और हम लोगों ने नहा लिया है। अभी नहा धो के ये देखो उषा दीदी सिलाई कर रही है सुबह सुबह। और अभी चलेंगे नीचे, नीचे का जो भी प्रोग्राम होगा, आज बहुत कुछ प्रोग्राम होगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और स्किप मत कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना जरूर कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, देखिए कितने सारे कपड़े उपड़े फैले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये कपड़े फैला रही हैं, जो कि बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, सभी लोग नहा चुके हैं तो कपड़े फैला रहे हैं। और ये देखिए मसरी लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रात को सोए थे, पूरा जितने भी औरतें हैं सभी लोग इस मसरी के अंदर सोए थे। तो इस तरीके से मच्छरदानी को लगा दिया गया था सभी को सोने के लिए, इतने सारे मेहमान आए हुए थे। तो और यहाँ सब कपड़े अपने भी फैला लिए हैं। और यहाँ देखिए ये नीचे का बैकग्राउंड, यहाँ पर वो जिसका शादी का फूल सालगिरह है वो अपना पूजा कर रही हैं। यह मंदिर है उनके घर का, तो एक ही मंदिर है और पूरा जो इनका पूरा परिवार है ये सभी इसी में पूजा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बाहर कितना अच्छा मौसम है, धूप निकल चुका है। अभी 7 बजे हैं सुबह के, लेकिन धूप बहुत अच्छा निकल चुका है। और उधर पूजा पाठ हो रहा है, यहाँ पे देखिए कपड़े फैलाए। यहाँ पे देखिए 2-3 मसहरी रात को हम लोग लगा कर सोए थे, यहाँ 3 मसहरिया है, तो यहाँ पे हम लोग रात को लगा के सोए थे, बहुत लोग आए थे। अभी यहाँ स्टेज वगैरह लगेगा, बहुत कुछ की तैयारी होगी, वीडियो बने रहिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों मैं नीचे जाने वाली थी लेकिन ऊपर ही मुझे मिल गया चाय पानी, तो यहाँ पे चल रही मैं नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरी बन रहा है, पूरी छाना जा रहा है क्योंकि पूजा की तैयारी करनी है, तो यहाँ पूरी छाना आ रहा है, सभी पूरी छा रही है। यहाँ पे भाभी बेल रही हैं और हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी लोग बैठा हुआ है, इधर कुर्सी उर्सी आके रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टेज वगैरह लगेगा। वाह क्या बात है, मम्मी को देखिए बेटी कितने प्यार से खाना खिला रही है। वाह बिटिया बहुत बढ़िया। और यहाँ पे दोस्तों खाना बन रहा है दोपहर के लिए सभी के लिए। और यहाँ पे जो नई दुल्हन है जिसकी शादी भी जल्दी हुई थी वो अपने कपड़ों को यहाँ तय बना रही हैं, और कपड़ों को तय बना रही हैं। और मैं थोड़ा सा इनका वीडियो निकाल रही हूँ, ये जो मेरी शादी हुई थी जो ना वही वाला मतलब है। और यहीं छोटा सा बाबू आया हुआ है, मतलब कोई गेस्ट आया है तो बाबू दिखाया, बहुत प्यारा बच्चा है। और सभी लोग बड़े प्यार से बच्चे खिला रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम कान्हा जैसा लग रहा था देखकर, बहुत सुंदर बच्चा है और अच्छा है, रोता नहीं है, अच्छा से खेल हो रहा था। ये कुछ ना हो मेरा खिलाड़ा हूँ, खिलाड़ी तो यहाँ पे दोस्तों सत्यनारायण की पूजा हो रही है, मतलब जिसके शादी का सगीरा है वो नहीं, वो मतलब पूजा करा रहे हैं। तो यहाँ पे गांव में इस तरीके से मतलब पूजा कराया जाता है। और मैं इन लोगों का थोड़ा वीडियो बना रही हूँ, ये लोग खुश हो रहे हैं कि मेरा वो मतलब वीडियो बन रहा है। और बैठे बैठे यहाँ पे सत्यनारायण की पूजा भी हो रही है और कथा भी सुना जा रहा है। और कुछ लोग मेहंदी भी लगा रहे हैं क्योंकि रात के प्रोग्राम के लिए सभी लोग मेहंदी लगा के भी रेडी नहीं हुए थे, तो यहाँ पे मेहंदी भी लगाया जा रहा है साथ में। Yeah.
दोस्तों सत्यनारायण की पूजा हो चुकी है और ये घर का मंदिर था तो इसमें भी माता रानी की पूजा करके दूल्हा मतलब जो जोड़ा है शादी शादी वाला वो दोनों पूजा करके आ रहे हैं। और ये दोस्तों मेरा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, सेकंड पार्ट मैं अगली बार आप लोगों को दिखाऊंगी और वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए कथा पूजा हो गई है तो यहाँ पे रक्षा भी बना जा रहा है, पंडित मतलब बांध रहे हैं सभी को और यहाँ पे आरती भी लिया जा रहा है और जो शारीरिक शरीर है वो सभी का पैर छू रही है, मतलब ये गाँव में तो सभी का पैर छुआ जा रहा है। आशीर्वाद पूजा पाठ हो चुका है, वो 25 शादी का सालगिरह थे, यहाँ विष्णु भगवान की पूजा कथा वगैरह हुई थी तो वही था सब कुछ। अभी शाम का जो प्रोग्राम है वो सब भी मतलब रहेगा तो वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में बने रहिए, आगे का वीडियो बहुत अच्छा है, आप लोग देखेंगे आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये खींचा तो कहा ना बहुत ना फोटो ना खींचे ना वीडियो बना वीडियो काय बना मौसी बड़ी सुंदर लग तू आ देखा कर अब कलैया नहीं अब लात मारना बंद हो गया, देखो अब नहीं पैर मार रहा है, देख शांति हो गया। ए ले ए कबड्डी तो मौसी जाइए बैठी सब अच्छा लगता है, आओ खा लो चलो बंद करो तो बंद करो जल्दी बंद और यहाँ पे दोस्तों मेहंदी का रस्म निभाया जा रहा है। वैसे तो मेहंदी लग चुकी थी पहले से ही लेकिन यहाँ पे मेहंदी का रस्म बिल्कुल जिस तरीके से होता है उस तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। सभी लोग मतलब पैसे वगैरह मतलब दूल्हा दुल्हन के मतलब ऊपर से उतार के यहाँ रखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे मेहंदी का रस्म मनाया जा रहा है। सभी लोग आएंगे और सभी लोग मेहंदी का रस्म निभाएंगे और पैसे को उतार करके यहाँ रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर मेहंदी का रस्म हो रहा है। वैसे हल्दी का भी रस्म की बात हो रही थी लेकिन नहीं हुई क्योंकि शायद उनको मन नहीं था इस तरीके से करने का। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों मेहंदी का रस्म हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों बड़े बूढ़े बच्चे जवान जितने भी मतलब इस फैमिली में पूरे परिवार में हैं सभी लोग आते हैं और एक एक मेहंदी का कीप उठाते हैं और दूल्हा दुल्हन के मतलब जोड़े जो हैं उनके हाथों में रख कर फिर जाते हैं एक रस्म निभाते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे ये मेहंदी का रस्म मनाया जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं प्लेट में खूब सारी मेहंदी रखी है, इतनी अच्छे से सजा के रखा गया है। जिस तरीके से नेवेली शादी होती है नेवेली की, उसी तरीके से ये कुछ रस्म निभाया जा रहा है। तो कुछ रिलेशन मतलब सभी के हैं, कुछ कुछ रिश्तेदार सबके आएंगे के हैं और गाँव के आस पास के लोग भी जो हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रस्म निभाया जा रहा है। आप लोगों को ये रस्म कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए जुड़े हैं तो कभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बड़े भाभी बड़े भैया गए हैं मेहंदी के रस्म निभा रहे हैं, उसके बाद छोटे भैया भाभी गए हैं रस्म निभाने, उसके बाद हमारी ऋषा जी और जीजा जी गए हैं निभाने के लिए। तो इस तरीके से सभी लोगों ने मेहंदी का रस्म निभाया है और फोटो वगैरह अपना खिंचवाया है। और इसके बाद मैं भी जाती हूँ, वैसे मेरे हस्बैंड तो नहीं थे, वो तो शाम को रात नाइट में, लेकिन मैं अकेली थी तो मैं अकेले ही जाती हूँ अपना। और तब मेहंदी का ये जो रस्म था मैंने निभाया है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। पर्सनल भेजना चाहिए, उस दिन देख देख तो मन खा के मार। एक नहीं फोन आपको मजा लड़ाई देखने में हो गया के दे ना के माई में कौन से दे नीचे बैठो नीचे नीचे हां बे सा ये आगे के रहे माई कैसी है चलो ये लगाओ ये तो मेरे पास थोड़ा सा ऊपर अब लोकल ना हां वो लोकल तो मेहंदी का रस्म खत्म हुआ है। अभी थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया है, बाहर बहुत अच्छी सजावट हो चुकी है। तो अभी हम चलेंगे दोबारा से तैयार होने, क्योंकि शाम का जो एनिवर्सरी है वो मनाने के लिए। तो दूसरे हिसाब से तैयार होंगे। अभी आपको मैं बाहर का बैकग्राउंड दिखा दे रही हूँ किस तरीके से सजा हुआ है। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।